ये देखिए दोस्तों, इसमें लैपटॉप में फॉल्ट है। आप इसमें देख पा रहे हैं, इसकी डिस्प्ले सही से काम नहीं कर रही है। ये देखिए यहाँ पे वाइट हो रही है, इसमें ब्लैक हो रही है, तो हम लोग इसको फिक्स करेंगे वीडियो में। ये देखिए पूरी पूरी यहाँ पे वाइट हो गई है डिस्प्ले लैपटॉप की, तो हम इसको फिक्स करेंगे। अब दोस्तों इसके बेजल को खोल लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे बेजल निकाल लिया हमने, और ये इसका ये है। ठीक है, मैं डिस्प्ले को खोलेंगे हम लोग इसको ठीक करने के लिए। जो हमने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया है, और अब जो है ये देखिए यहाँ पे इसका पेज है, तो पेज को भी खोल लेंगे हम इसके डिस्प्ले के पेज को। और जो भी फॉल्ट है इसके फॉल्ट को निकालेंगे हम लोग। ये देखिए इसका ये है, पूरा पूरा यहाँ पे बेजल दे रखा है, और ये इसका डिस्प्ले का कनेक्शन है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे लूज़ था इसका दोस्तों कनेक्शन, तो इसको तो फिर जो है ठीक है यहाँ पे निकाल के लगाएंगे। और इसके अंदर में जो भी ये देखिए यहाँ पे काला काला जो है हमें जमा पड़ा इसमें, तो हम लोग इसको साफ़ करेंगे और फिर ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ये देखिए डिस्प्ले में यहाँ पे काला काला जमा हुआ है। ठीक है, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह आ जाती है, तो ऐसे जो है ठीक है हमें दिक्कत करती है ये, तो हम लोग इसको निकाल के साफ़ कर देंगे। और फिर ये बहुत ही अच्छे से काम करें। ये देखिए अब जो है ठीक है इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑन करके लैपटॉप को। तो अभी भी आ रहा है इसमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही आ गया डिस्प्ले हमारी। यहाँ देखिए यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, तो अभी सही आ रही है। अभी जैसे हाथ हटाएंगे भैया, तो अभी देखिए कैसे आ गई है। ये देखिए तो यही फॉल्ट है इसका, तो हम लोग इसके इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे साफ़ करा हमने, तो उससे थोड़ा सा मिला फ़ायदा। अब हम इसको फिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ से फॉल्ट है हमारा दोस्तों, यहाँ पे फॉल्ट को फिक्स करेंगे। यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होती है, और फिर जो है और फिर जैसे इसके पीछे जॉइंटर भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखिए हमने अभी यहाँ पे पहले से अच्छा इसको कर दिया है, डिस्प्ले को देख पा रहे हैं हम, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। जो भी दिक्कत थी थोड़ा सा इसमें हुआ है रिजॉल्व, लेकिन हम लोग जो है ठीक इसका पक्का काम करेंगे इसमें। देख पा रहेंगे पहले भी पैनल पे काम इस पे कर रखा है इन्होंने, तो यहीं से फॉल्ट है। बार बार जो है इसके अंदर में दबती रहती है डिस्प्ले, तो हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखिए पैनल है इसके अंदर का हमने, और इसको हमने यहाँ पे काट दिया है। और तो फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे निकाल दिया था हमने इसको, ठीक है काट के, और जो भी कार्बन था कार्बन को साफ करके निकाल दिया है। और हमने अपने कनेक्टर को लगा दिया था अच्छे से साफ करके, तो अब ये बहुत ही अच्छे से काम कर रही है इसकी डिस्प्ले। अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिक्स करेंगे पूरा का पूरा, और हमारा लैपटॉप जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम करने लगेगा। ये देखिए इसका बेजल का है, तो बेजल के पेंच वगैरह यहाँ पे लगा दिया हमने, और अब इसके आगे बेजल को लगाएंगे। फ्लक्चुएटिंग की जो भी दिक्कतें आ रही हैं इससे ठीक हो जाएंगी।
और ये देखिए यहाँ पे बेजल लगा दिया हमने, और ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से काम करने लग गई है। और ये दोस्तों हो गया, थिंक पैड का लैपटॉप है दोस्तों ये, तो आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लैपटॉप है थिंक पैड का। और यहाँ पे नाम भी लिखा है इसका, मॉडल नंबर देख सकते हैं, ठीक है, लेनोवो का थिंक पैड लैपटॉप है ये। अब हम इसको हम देखिए यहाँ पे बंद कर दिया है, और इसको बंद करके चालू करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे आगे पीछे करके डिस्प्ले को। तो आप इसमें देख पा रहे हैं अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा फॉल्ट जो था यहाँ पे निकल गया है।